सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू युवराज शर्मा ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे ही रहें, ये मैं भोले बाबा से प्रे करता हूँ गाइज। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से दोबारा बरनावा आया था। बरनावा की कुछ चीज़ें छूट गई थी जो मैंने आपको नहीं दिखाई थी, वो चीज़ मैं आपको फिर से दिखाऊँगा और अच्छे से उसके बारे में बताऊँगा। पहले आप सोचिए, आज से करीब लगभग जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे ये डिज़ाइन या इस तरह की आर्किटेक्चर या किस तरीके, मतलब कैसे उन लोगों ने बनाया होगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? और वो पांडव यहाँ से बच के भी गए थे गुफा के थ्रू, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं आपको प्रॉपर तरीके से उसको दिखाता हूँ, ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये चीज़ है वो जो काफ़ी टाइम पहले बनाई गई है। इसको देखिए बड़े ध्यान से, इसमें कहीं भी कोई भी सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है, ना ही इसमें रोडी डस्ट का यूज़ किया गया है और ना ही इसमें कोई भी लोहे का यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, फिर भी इसकी सुंदरता को देखिए आप, आज भी ये कितनी प्यारी लगती है। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये उस वक्त के ही बने हुए हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, ये ऊपर की साइड ये जो फूल जैसी आकृति बनी हुई है, ऊपर चोटी है, चोटी से जस्ट नीचे जहाँ पे ये कबूतर बैठा हुआ है, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, और इसकी छोटी छोटी ये डिज़ाइन, ये वाली, ये देखिए ये कितनी प्यारी लगती है ये। और ये पूरा आपको मैं दिखाता हूँ, ये पत्थर से बना हुआ है, ये पूरा जितना भी ये पोर्शन है ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। उस टाइम इसको कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में, या जो भी इस पे काम कर रहे थे जो भी लोग, ये देखिए ऐसा लगता है जैसे ईंटों की ये है ये, लेकिन ये गाइस ईंट नहीं है, ये देखिए कितना सुंदरता के साथ ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसकी सुंदरता को दर्शाती है। ये देखिए इस वक्त कितना मेहनत किया गया होगा इसको बनाने में। ये देखिए, ये बड़ी छोटी चीज़ें हैं जो बनाया गया है। ये नीचे भी देखिए आप, ये पहले से ही बना हुआ है, ये अभी कोई नया नहीं बनाया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ की सुंदरता को देखते हैं। ये वही लाक्षाग्रह हैं जहाँ पे पांडवों को मारने की साजिश की गई थी।
सो फ्रेंड्स, अभी हम जाने लग रहे हैं गुफा के पास। दुर्योधन अधर्मी था, ये सब जानते हैं। उसने अधर्म किया, इसलिए वो हर वक्त ऐसे कार्य करता रहता था। उसके कर्म में ही अधर्म था। लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यदि वो अधर्म न करता तो आज पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे योद्धा, महारथी आज सब हमारे पास होते तो क्या कोई भी हमसे लड़ने के दुस्साहस कर पाता? पाकिस्तान जैसे या फिर चाइना जैसे कोई भी नहीं, क्योंकि उनके पास इस तरह के अस्त्र थे। मैं अभी उन्हीं सीढ़ियों पर चल रहा हूँ, ये पीछे मेरे सीढ़ियाँ हैं, ठीक है? तो अभी नीचे जाने लग रहा हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, वो हमेशा रहते, पितामह भीष्म आज भी जीवित होते, हमारी पृथ्वी को एक अलग दिशा होती। सो फ्रेंड्स, आ गए हैं अभी नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ वो गुफा। सो गाइस, ये सब अंदर जा रहे हैं गुफा के। ये वो गुफा है जिसमें पांडव गुजरे थे, इसके अंदर वो गुजरे थे जब आग लग गई थी लाक्षागृह में, या फिर लगा दी गई थी लाक्षागृह में आग। और सेकंड गुफा ये है, उससे निकलते हुए इधर आए थे, अभी वो अंदर गए हुए हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं उनसे बात करते हैं। चलिए फिर देखते हैं थोड़ा हम भी अंदर जाके। बंदे कैसे, कितने मोड़ है, कितने मोड़ है? चार मोड़ है। अच्छा, बंदे क्या किसे? अच्छा, नहीं नहीं अंदर नहीं जा रहे। तो क्या कैसे, मतलब चार मोड़ है, कैसे कैसे जाते हैं? चलो ना। अरे बंदे भैया, कपड़े चलो भाई अंदर चलते हैं, ठीक है? धीरे धीरे ठीक है, चलो। तो गाइस आप देख सकते हैं ये फर्स्ट मोड है, और ये सेकंड मोड है। इसी तरीके से पांडव यहाँ से निकले थे, ये देखे। आखिरी बंद है भाई, यहाँ भाई देखिए गाइस, गुफा के जाके बंद है, ऐसे बंद है। अच्छा बंदे, ना 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 बंदे, अरे ये भी बंदे, देखो देख लो। ये अंदर जाके बंदे भी, अंदर जाके बंदे। हाँ बंद कर दिए ना पहले से, पहले खुल रही होगी, पहले बंद थी, हमें खुद ही हो। अच्छा ये लगा पूरी थी बंद होगी। अच्छा लेकिन हमें बंद है। चलो फ्रेंड्स बाहर चल रहे हैं यहाँ से। एक दो तीन चार पाँच मोड़ है। आ गए हम अंदर से।
सो फ्रेंड्स, आज हम गुफा के अंदर भी गए हैं। आपने गुफा देखी, वो भी ये पहले जा चुके थे। तो ज़्यादातर ऐसी गुफाओं में कोई भी छोटा मोटा जीव होता है, लेकिन हो सकता है इसमें ज़्यादा बार लोग अंदर जाने की वजह से कोई भी जीव नहीं घुसा है। तो अभी ऊपर आ गए हैं, वहाँ से मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फूलों की खेती कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। और मैं आज का व्लॉग यहीं पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और आप प्लीज़ मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए। फिर से मैं छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग युवराज शर्मा व्लॉग्स।